द टर्म रूहानियत इज़ जिस पे अभी अली रजा भी सवाल कर रहा था कि कई नए स्पीकर्स कई नए लोग आए हैं नाम नहीं हम कोट करते जिन्होंने कहा कि यार ये इस्लामिक नहीं है ये फलाना नहीं है मैं आपको बड़ी एक बात बताऊँ द वर्ड रूह जो है ना रूह आपके ख्याल में कौन रूहानी है अगर फ़र्ज करें दुनिया की आबादी सात अरब है इसमें कितने परसेंट रूहानी होंगे फॉर योर वेरी का सब के सब रूहानी है क्योंकि रूह सब में है हम उस वक्त रूहानी नहीं होते जिस दिन मर जाते हैं आगे है उस रूह को पॉलिश कितना की है यानी आप कहेंगे कि जिंदा बंदा वजन उठा सकता है ना हाँ कम या ज़्यादा कोई नेचुरली ज़्यादा उठा लेता है कोई एक्सरसाइज से ज़्यादा उठा लेता है क्योंकि फिजिकल मसल बिल्ट हो जाते हैं सेम लाइक जो सोल है हमारी वो कितनी हमने पॉलिश की क्या सोल है हम में सब में है अगर सोल है तो सारे रूहानी है तो रूहानियत इस्लाम नहीं है रूहानियत या रूह का इलम सब इंसानों के साथ है आगे मज़ाहब ने अध्यान ने मैथोलॉजीज ने इसको किया है एड्रेस इस्लाम ने इसको और तरह एड्रेस किया है हिंदुज़म ने और तरह किया क्रिस्नेटी ने और तरह किया है बुद्धिज़्म ने और तरह किया है और आज जो ज़माना नया आ गया इसको कहते हैं माइंड साइंसिस ठीक है जी इसको एक प्रॉपर नाम दिया गया सोल साइंसिस माइंड साइंसिस ये बड़े नेक्स्ट लेवल पे चीजें चली गई कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दुनिया में डिस्कस होने लग पड़े कि मैंने आपके कॉन्शियस को पैर की चीची में कर दिया फिर कान पे ले गया मैं फिर हाथ पे ले गया मैं आपको आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी या फिर मैं आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉरगिवनेस पे ले गया फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मैंने ग्रेटिट्यूड पर कर दिया मैंने से कुछ भी नहीं किया सिर्फ आप ही के कॉन्शियस को इस्तेमाल करते या उसको मैंने रिलैक्स कर दिया वो पता नहीं फ्रस्ट्रेटेड था किस हालत में था मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी सो so, जो रूह है या रूहानियत है ये सबके साथ है यार हाँ आगे वेज हैं लाइक अगर आप चले जाएं हिंदुज्म में तो उनके अपने मेथड्स निकल आएंगे इसको पॉलिश करने के इसको रिलीजन जो हमारा है वो मुकम्मल है उसमें कोई कमी नहीं है नमाज बजाते है। खुद मराकबा आपकी अच्छी नमाज वो है जिसको खशू व खजू कहते हैं उसका नाम लिख लीजिएगा अल्फा स्टेट खशू खजू क्या है अल्फा स्टेट क्योंकि हमें नहीं पता मॉड हमारे जो बेचारे इसको समझाने वाले मौजूद हैं इस वक्त उनको मॉडर्न का नहीं पता आप बात समझ रहे हैं ये मेरा पढ़ा हुआ है एक मेरा क्वेश्चन किसी ने दुबई में मेरे से किया शारजा में किया हुआ है कि सर हाँ, मरााकबा इस्लाम में कहाँ पर इस तरह का मैंने कहा अल्लाह के बंदो नमाज ही मरााकबा हमारा में जरूरत नहीं है अगर हम वही सही पढ़ लें खशू हजू से हमें किसी एक्सरसाइज की लेकिन क्योंकि हम वो भी सही नहीं पढ़ते देखो बॉडी मूवमेंट आपकी नमाज में कम अज़ कम इतनी है कि बॉडी के हर खुलिये तक खून चला जाता है लेकिन एडिशनल यह कि आप एक्सरसाइज भी कर लें ये थोड़ा प्लस है कि यार हम इसको पॉलिश कर लें इज ओके okay. इलम के तौर पे कह रहा हूं ये क्या लेना है हमने इसको प्लीज ये ना कीजिएगा कि ये इस्लामिक नॉन इस्लामिक दीज आर वेज यू नो you know जो है वो इस्लामिक है कि गैर इस्लामिक है टेल मी प्लीज इट्स जस्ट अ एक दिवाई है यार वो आप ये कहोगे उसका जवाब किसने बनाई है कौन है उसने उस उसमें कलमा पढ़ा हुआ था कि नहीं वजू किया था कि नहीं क्या दो नफल पढ़ के उसने पैनाडोल बनाई थी जो इतनी चली जा रही है कि हर कोई खा रहा है ये हमारा एजेंडा नहीं होना चाहिए ये नॉनसेंस क्वेश्चन है फोन हम एप्पल का यूज़ करें जिसने बनाया था वो हलाल का बच्चा ही नहीं था यार हाँ ना लव चाइल्ड था स्टीव जॉब्स जाके पढ़ लेना हम नहीं हराम है आज से असल में ये सवाल पैदा कब होता है मैं आप टॉपिक से दो मिनट के लिए आउट जाके फिर वापस आना है ये सवाल ही बजाते खुद एक पागलपन है अगर आप में से किसी भी बंदे में कोई चीज़ फंस जाती है और उसी में वो लगा रहता है ना उसका माइंड च्यू करता रहता है गाय जैसे च्यू का वर्ड होता है जुगाली ये साइन आप में रुझान है वहम की बीमारी का अभी कम है अल्लाह ना करे बूढ़े हो गए बड़े हो गए बढ़ जाएगी कई लोगों में रुझान ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर का होता है जो मैं कह रहा हूँ ओ ये लोगों का सबसे बड़ा साइन ही होता है ये थोड़े खपती होते हैं अच्छा हमने ओ को महदूद किया हाथ धोने तक सिर्फ बार बार हाथ नहीं यार ओ का सबसे पहला साइन रिपीट थॉट है उसका अगला साइन ब्रेक ना लगना है और मैं आज वो सुबह भी बात कर रहा था किसी से कि खुदा के लिए अपने मॉलेज खुद ना बने इन बातों से यार देखो आपका लिमिटेड नॉलेज है यार अल्लाह को इतनी मोहब्बत है आपसे कि वो आपकी एनर्जी को ज़ाया होता नहीं देख सकता वो कहता क्यों मेरे बंदे की न? यार बच्चा आपका होता है उससे मोहब्बत नहीं होती उसकी एनर्जी ज़ाया जा रही हो अल्लाह कहता है सत्तर माहों के बराबर मेरा प्यार है वो नहीं चाहता कि आपकी एनर्जी ज़ाया जाए किस चीज़ में हसद में बोअज में दूसरों की जिंदगी में टो लगाने में नेगेटिव बोलने में इतनी वनरेबल लाइफ हो गई है मैं आपको बता नहीं सकता फीमेल सेलिब्रिटीज थी वो बैठी कहती है सारे हम क्यों नशे की तरफ चले गए और मैं कहता तो हूँ उसकी रीज़न है कि जो सेलिब्रिटी रहना है ना जो उससे डोपामिन प्रोड्यूसर होता है वो रह नहीं सकता वो जैसे ही वो नीचे जहाज आता है ना वो फॉलोइंग खत्म होती है तो उस फ्रस्ट्रेशन में बंदा उस डोपामिन को पैदा करने के लिए नशा करने लग पड़ता है जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है यही वजह है कि बड़ी बड़ी कामयाबियों और बड़े बड़े बादशाह बनने के बाद अल्लाह के रस्ते पर लोग गए सुकून वहाँ पड़ा हुआ है कि वो डोपा से नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं सोरोटानिन और बाकी चीज़ें प्रोड्यूस होने लग पड़ती हैं जैसे इतमान कल्ब कहते हैं तो खुशी असल में इतमान कल्ब है मैं समझ असल बात समझा पाया पाए आगे चलें पॉइंट नंबर टू सर नॉर्मल हालत में आपने अपना एनालाइज करना है कि मैं कब अल्फा हालत में होता हूँ और कब बीटा हालत में होता हूँ और कब थीटा हाल थीटा तो चले सोने की हालत है वो तो छोड़ ही दे लेकिन आपने अल्फ़ा स्टेट को पूरे जागते हुए होशो हवास में भी करना शुरू कर देना कि आप रिकॉल करेंगे यार आज मैं किस किस मोमेंट में मुझे लग रहा था ये मेरी अल्फा स्टेट थी ये आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे बीटा स्टेट है अलर्ट स्टेट जितना अलर्ट आप ज्यादा हैं जितने आप चौकस हैं यानी बीटा को चौकस कह दें आप सीधी सी बात लोकल लैंग्वेज में जितनी बार आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर जाने का एक्सपीरियंस होता है ना लेक्चर सुनते हुए बातचीत करते हुए किसी की कंपनी में जब भी कभी आप इंतहाई गुम हो के अपने ख्यालों में गुम होते हैं ना वो अल्फा स्टेट होती है बहुत गहरी सोचों में गुम होते हैं ना और आपको कोई बाजत आप सुन भी नहीं रहे होते इतना गहरा गुम होते हैं वो अल्फा स्टेट होती है ये इसको पहचानना है अल्टीमेट इज द बेस्ट साइन दैट आपको पता नहीं लगा यार अच्छा पाँच मिनट गुजर गए इसकी एक और निशानी होती है कि बाजार बंदा कोई काम शुरू करता कहता अभी टाइम पड़ा हुआ है लेकिन वो इतना गुम हो जाता है उस काम में तो आप असल में अल्फा स्टेट के ये है बॉर्डर ये ऐसे ऐसे हो रहा होता जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो आप अल्फ़ा स्टेट पे खेलना शुरू कर देते वो जो कंपनी अच्छी है ना उसका नाम लिख लीजिएगा इज अल्फा स्टेट जिनके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है लव क्या होता है बेसिकली लव में हुब वर्ड मोहब्बत जो है वो हुब है हुब जो है ना हुब और खुब पंजाबी का वर्ड वो करीब करीब है है कि नहीं है जी वर्ड्स के मार्क्स बड़े सिमिलर होते हैं किसी चीज में डीप डाउन चले जाना इतना गहरा होना कि टाइम एंड स्पेस खत्म हो जाए ये मैं इसलिए लोकल मिसालों से समझा रहा हूँ जल्दी समझ जाए आगे चले जनाब आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी में अल्फा स्टेट में रहेंगे उतनी तवील ज़िंदगी होगी उतनी बरकत वाली ज़िंदगी होगी उतनी सेहतमंद जिंदगी होगी और उतना बीमारियों से बचे रहेंगे और उतना मासूम रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कंपनी मज़े की होगी जिन लोगों की कंपनी कमाल होती है ना ये जिन लोगों यार बड़ा मज़ेदार इंसान है यार मिलना चाहिए ये दरअसल वो अल्फ़ा स्टेट में जाता है उसका उसको भी नहीं पता बार बार सर जो आप का चेंज एजेंट है ना लाइफ में उसका साइन मिनिमम भी अठारह माह में आता विच इज आई एम गोइंग टू कोट इन वेरी वेग वर्ड्स इज आई प्रेफर अ न्यू चाइल्ड सपोज शादी करता है तो आई प्रेफर बेटा को डेढ़ दो साल अगली नस्ल पे ना जाओ अभी फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट जो कमिटमेंट हुआ है वो निभा के काबिल है कि नहीं पार्टनरशिप है मेरे पास दो लड़के आ जाते हैं सर हम शुरू करने लगे मैं कहता हूँ साल लगा लो पहले प्लीज़ वैसे ही पायलट करके गुरु लग गया जी मुझे पीर मिल गया मैं कहता हूँ पाइजन को लगाओ टाइम थोड़ा ले थोड़ा सा लो ओ जी मुझे रास आ गया सियालकोट मैं कहता हूँ जी अभी साल डेढ़ गुजार लो खुल जाएगा यानी बताना ये चाह रहा हूँ कि गर्म पानी तत्ता पानी जो है ना वो टी बैग को रंग छुड़वा देता जो वाबस्तगी है ना वो अठारह माह में अपना आप दिखा देती अब इतना स्टेमिना नहीं होता हमारे पास इधर लव अफेयर शुरू नहीं होता किसी का वो कहता है जी मेरी शादी करवा दें थोड़ा माँ वो कहता है सर मुझे मौका तो दें मैं इंशाल्लाह दादा आपको बना दूंगा दादा उस्ताद हो गया <laughs> तो, तो वो तो बेचारा परफॉर्म करने के लिए रेडी होता है सेम विद बिजनस मैन को कहता है जी मुझे प्रॉफिट नजर आ रहा है अगले ने मुझे कहा मार्केट ही अभी शुरू हो रही है अभी माल उठा लोगे तो मैं कह ये तो फ्रॉड है सौ में से एक दफा नहीं भी होगा फ्रॉड लेकिन ज़्यादातर जब भी जल्दी में कुछ हो रहा होगा ना तो याद रखिए उसमें रिस्क जो है सो so, आपने अपनी ग्रोथ को भी नेचुरल छोड़ना है मुर्शिद मुर्शद वासिफ़ साहब का जो जुमला है वो ये कि एक अच्छी वाबस्तगी आपकी तीन चीज़ों को असरअंदाज करती है ये मैं उनके कोटेशंस को समझा रहा हूँ सिर्फ एक जाविया नज़र बदलेगा दूसरा पसंद नापसंद बदलेगी तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा यानी जिंदगी में पीर आने की निशानी तीन है तो एक पीर जो है असल उस्ताद वो आपका बेस्ट पोटेंशियल बाहर ले आता अगर वो नहीं लाया मैं नहीं वो पी, पीर मिले और पीड़ ना जाए वो पीड़ बेसिकली ये है कि आपकी जिंदगी में प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो जाता है मुमकिन है जिस चीज का रोना था वो आपकी खुशी बन गया यानी आप एक गम को लेकर रो रहे थे और वो आपको मीनिंग समझाया कि गम बेसिकली उसके साथ कनेक्शन का बहाना है और उसके पास तरीका कोई नहीं था तुझे बुलाने का उसने कहा इसको गम की गाटी मार दो आगे चलते हैं टॉपिक से वापस आते हैं। अच्छा जो गहरी नींद की हालत है ना विज फॉर्म ऑफ डीप स्लीप वो है डेल्टा स्टेट वो बुनियादी तौर पे कंट्रोल्ड नहीं है लेकिन आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो दुनिया में मॉडर्न इस वक्त आए हैं माइंड साइंसिस के उसमें कंट्रोल्ड स्लीप एंड कंट्रोल्ड डेटा डेल्टा स्टेट पे काम होना शुरू हो चुका है यानी इट्स पॉसिबल दैट ये आपने कहीं ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे सुना होगा आपको आज ये ख्वाब आएगा यहाँ दो तीन दिन में जो ख़्वाब आने वाला मुझे आके बता देना वो आ जाता है उस बंदे के पास उस डेल्टा स्टेट के अंदर इन्फ्यूज़ करने की पावर होती है उसकी स्पिरिचुअलिटी में ये पावर होती है कि वह आपको ख़्वाब भी क्या कर देता है इंड्यूस कर देता है या एक साहब हैं मेरे बड़े मेहरबान अच्छा नेक बंदा है वो प्रैक्टिस करवाते हैं जिससे आपको ज़्यादातर रसूल सलम हो जाती है तो दरअसल वो साइंटिफिकली क्योंकि साइंस बड़ी आगे चली गई है ना तो वो आपकी दरअसल अपनी तजकिया नफ्स को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पर ये सौ फ़ीसद तो नहीं गारंटी कोई हो सकती लेकिन तज़किय़ा वहाँ चला जाता है आपका जहाँ ये प्रॉबीबलिटी बढ़ जाती है रूहानियत के मैदान में कि आपको कश्फ खुल जाता है आपका आपका सीना रोशन हो जाता एल्फास्टेट वाले बंदे की जो बड़ी निशानी है बड़े ध्यान से सुनी बात पहले सुन लें फिर लिखनी है प्लीज़ अब नॉर्मल बंदे की भी बाजत ना तेज़ पागल बड़े बड़े जीनियस होते हैं और पागल देखेगा तो कुछ उसकी देखने की सुनने की सिलाई बाज़ पागलों की ज़्यादा होती है लेकिन अल्फा स्टेट वाला जो बंदा है ना उसकी जो पांच छह हिस्से हैं वो जोर लगाए बगैर तेज़ होंगे बस इन पागल को जोर लगाना पड़ता है अगर आपको जोर लगा के देखना पड़ता है ना तो वो शक की आंख है वो पुलिस वाले की आंख है स्पॉय की आंख है लेकिन आपके सामने चीजें खुद ही खुल जाती है ना आपकी आंख तो वो इसका मतलब है आप अल्फा स्टेट अल्फा स्टेट से पांच हिस्से ज्यादा करामद हो जाती है लिख लें कल था ना किसी का क्वेश्चन कि ये जिसने क्वेश्चन किया था कि सर ये कॉन्शियस को सुलाना नहीं है है ना नम करना नहीं है तो मैंने कहा था कि नहीं दरअसल आप कॉन्शियस को नहीं सुलाते उल्टा वो तेज हो जाता है बाद में ये बिल्कुल ऐसे जैसे बॉडी को रेस्ट दिया आपने तो बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी आपने माइंड को जो रेस्ट देना है ना माइंड का बेस्ट रेस्ट नींद तो है ही लेकिन अल्फा एल्फ, स्टेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके जो हिस्से हैं वो आम रूटीन से ज़रा तेज हो जाती है मसाला आप सिर्फ कान है तो फिर कान ही बनेंगे आँख है तो आँख ही बनेंगे इमेजिनेशन है तो डूब जाएंगे उसी में और टेलीकोनासिस अगर आपने सीख लिया तो फिर तो आप यहाँ बैठ के किसी और के साथ हील कर रहे होंगे या अपने तखयल में कुछ चीज़ कर रहे होंगे तो उसको वो ट्रांसमिट हो जाएगी ठीक है क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ मशरूत है या कुछ लोगों को गिफ्टेड होता है अगर ये इतना कॉमन हो जाए तो फिर तो बड़ा मसला पड़ जाए तो ये कुदरत का निज़ाम है कुदरत ने कुछ खवास में नेचुरली रखा है और कुछ लोग पॉलिश कर लेते हैं और आप उन लोगों में से हैं जो इसको पॉलिश कर सकते हैं मेरा ये ख्याल तो छः हिस्से क्या होती हैं अल्फा स्टेट की वजह सब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो परखना है ना इंसानों को वैसे तो नीयत अल्लाह को पता है ये आपकी आम लोगों से ज़्यादा हो जाएगी अगर आप अल्फा स्टेट में रहते अक्सर अल्फा स्टेट में कॉन्शियसली अगर आप रहने लग पड़े ना तो बंदा सामने आएगा बंदा बंदा नहीं बोलेगा उसका और बोल पड़ेगा अब वो दिखा नहीं सकते हाँ ये है मसला है डॉक्टर या हकीम म... नब्स देखता है वो कहता है आपका ना गुर्दे नहीं सही काम कर रहे अब उसे कह लॉजिक बताओ वो कहता है मेरा इलम मेरा लॉजिक है यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ <laughs> आप समझ रहे हैं हाँ तुम टेस्ट करवा लो वो लॉजिक है फिर जैसे लाहौर में एक साहब है वो यूरिन देखते हैं मॉर्निंग का वो एट्टी परसेंट डायग्नोस्टिक ठीक है उनका ठीक है हकीम सुछरे में बैठता आप फर्स्ट यूरिन लेके चले जाएं वो यूरिन देखेंगे एट्टी नाइन्टी परसेंट डायग्नोज कर देंगे अब वो इलम जो है ना वो कश पे ले गया हुआ है अब मैंने पहले कहा सारी रूहानी है अब ये ना जा कल जाके हाथ चूमने लग पड़े तो वो इल्म जो आपका इल्म नहीं है वो आपके लिए क्या है गैब लेकिन जिसके लिए वो इल्म है उसके लिए वो गायब नहीं है तो मरदम शनासी आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी मैं नहीं कह रहा कि नीयत का हाल अलग हुई पता है पहले से बेहतर हो जाएगी सम टाइम मैं सम टाइम कह रहा हूँ इसके लिए कंडीशन यानी स्टार लगा लें समाइम आपको इस कैफियत में कोई इशारा भी आ सकता है लेकिन उसको शुरू में मेरी सुजेशन होती है अगर ऐसा होना शुरू हो जाए यानी इसका मतलब आपका कश्य खुल गया तो मेरी सुजेशन होगी कि उसको किसी उस्ताद से डिस्कस करने लें कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है ये ना हो वो आपका वाहमा हो ये ना हो शैतान हो ये ना हो नफ्स हो तो बाज़ बाज़ात ऐसा भी होता है कि शुरू में वहमा खुलता है कश खुलता है अल्फा स्टेट में बार बार जाने से और वह शुरू में सही होता है लेकिन बाद में शैतान हो जाता है यानी आठ चीज़ें ठीक होंगी नौवीं दसवीं चीज़ ट्रिकी होगी तो अगर उस्ताद नहीं है तो फिर आप गए ये सट्टे की तरह भी हो गया यानी आपने फ़र्ज़ करें कि उस कश्फ की बेस पे अल्फा स्टेट की बेस पे कुछ फैसले करने शुरू किए आठ दफ़ा प्रॉफिट हो गया दो दफ़ा लॉस हो गया तो आप कहेंगे कि के वो क्या असल में कश्य था नहीं वो आपके नफ्स का ट्रिक था तो इसमें जब भी कभी आप पे कश्य खुल जाए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि शुरू कर रहे हैं पता नहीं दो दिन में खुल जाए साल में ज़िंदगी लग जाए खुल जाए तो उसमें हमेशा किसी से गाइडेंस ले लें और जिसका ये भरोसा हो कि इसको ये पता है ये एक्सपीरियंस है गुजर चुका है इससे नेक्स्ट सर आपकी इबादत में खशूख खुद ही बढ़ जाएगा इसे कहते हैं हजूरी की हालत अब ये देखें ना देखें जो है ना एक सरेंडर और हजूरी की हालत इसको हमने इंग्लिश वालों ने नाम हो रखे उससे नामों का फ़र्क है आप समझ रहे हमारे रोहानियत वालों ने उसको हजूरी की हालत अब हजूरी की हालत कहूँ तो समझ आ जाता है कि जनाब वो बबे बोलते हैं और अगर मैं कहूँ जी सरेंडर और आपका जो है ना वो इर्तकज़ बढ़ गया है और कॉन्सनट्रेशन बढ़ गई है तो दुनियादारी की वाली मैं बता रहा हूँ कि आप के लिए कोई डील करना कुछ चीज़ को मच्योर करना किसी को कन्विंस करना कोई मुश्किल नहीं होगा और ये ज़ुबान के ज़रिए नहीं होगा लोग खुद ही विलिंग होंगे कि मैंने आपका काम करना ये एक साइन है पॉजिटिव अल्लाह ना करें नगेटिव अगर बंदा हो तो तब भी ऐसे ही होता है ये जो पीर ठग लेते हैं आखिरी बात जितना कीना कदूरत नफरत लालच बुगज़ ये जो कल सारी बीमारियों पर किताब दी है इसको कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होंगे क्योंकि देखें बॉडी से डिस्कोनेक्ट होना माइंड जो है वो जितना बॉडी से लस्ट से डिस्कोनेक्ट होगा उतना अल्फा स्टेट में आसानी से जाएगा सो लस्टी मैन जो है वो अल्फ़ा स्टेट में नहीं जाएगा जाएगा तो वो नेगेटिव ही होगा उसकी अल्फा स्टेट ही होगी कुछ लोगों को आराम से गुना मिल जाता है असल में वो भी अल्फा स्टेट का ही कमाल होता है लेकिन वो एक ईवल साइड होती है पर्सनैलिटी की नहीं समझ आई जी तो आप याद रखिएगा आपके लिए ईजी रूहानियत की दुनिया में पाक साफ वजू की हालत में रहता हूँ उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप पे शर वैसे ही कम असर करता है फिर नियतन क्योंकि आप वजू की हालत में है तो नमाज किसी भी वक्त जस्ट आपने स्केचर मैंने आप पहने आपने शुरू कर दी है अच्छा जनाब आखिरी बात है और लिख लें इसमें एडिशनल अपने अंदर और बाहर के फ़र्क को ख़त्म करें यार ये हम पे ना पर्सनैलिटियाँ छड़ी हुई हैं सारी जो बाहर है ना फ़र्क है ना वो बोझ है अंदर और बाहर का फ़र्क जितना ज़्यादा ना उतना बोझ आप पे ज़्यादा एक दफ़ा ना मैं और उम्र आज चीमा साहब हमारे आपको पता है कि वो मेरी बहुत उनसे मेरा इंटेलेक्चुअल कंपेनियन है तो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि, कि बाज़ ब्योक्रेट इतने मतकबर क्यों होते हैं यानी कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे जवाब पूरा नहीं देंगे ब्यूक्रेटिक जो अप्रोच है वैसे आम पब्लिक के साथ बात कर रहा हूँ जो कुछ बंदों के साथ कोई भी नहीं मैं तोड़ लेता हूँ ये मुझे ये स्किल आती है कि किसी का तकबर कैसे तोड़ना है उसके टेक्निक्स है रेपो बिल्डिंग जिसे कहते हैं तो वो हमें पता लगा ये सारे वो लोग हैं जो खोखले हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी चढ़ाई हुई है अंदर कुछ भी नहीं है तो उनको डर लगता है कि अगर कोई जान गया ना कि अंदर कुछ नहीं है तो वो लिहाजा अपना खोल मोटा कर देते हैं ताकि कोई स्मेल ना कर सके यार एक मिसाल है ना अगर किसी से पसीने की बदबू आ रही समझाने के लिए और आप उसके गले लगना चाहेंगे वो वो क्या करेगा आ, वो हाथ अगर मिलाना है तो वो वो यूं नहीं मिलाएगा वो थोड़ा सा आप जरा आप बॉम्बि करें तो मैंने अकड़ अकड़ गया मेरा हाथ यानी मैंने हाथ को लॉक कर दिया वहाँ पर कि इससे आगे ना ही आ या मैं फिर पूरा हाथ नहीं मिलाऊंगा मैं सिर्फ क्या करूँगा मैं यूँ कर लूंगा रीज़न क्या होगी कि वो मैं महसूस कराऊँगा तो लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज में है ना वो क्यों होगा क्योंकि वो तकबर है अब वो पर्सनैलिटी चढ़ाई हुई है मेहरबानी फरमा के पर्सनैलिटी को ना उतारें अपनी बी रियल बी ओरिजिनल हम हर वक्त मैं हैं हम हर वक्त पी एच डी हैं हम हर वक्त पैसे वाले हैं वो दो हालतें ऐसी हैं जिसमें बंदे की मैं टूटती है एक है रोना और फूट फूट के दूसरा है ब्लिस खुशी झूमना तो ये जो दमाल है ना बुनियादी तौर पे कि वो जो पर्सनैलिटी है ना वो टूटती तब है आपकी जब आप रोए या फिर कुछ ऐसा करें जिसमें आपको ये एहसास ही खत्म हो जाए मुझे को देख रहा है हमें हम हर वक्तों हमें ये एहसास है को देख रहा है यानी हम अपना रोना भी कंट्रोल कर लेते हैं कोई देख रहा है हम अपना क्या क्या कंट्रोल करते हैं कुछ लोग मुस्कुरा नहीं सकते उनको बीमारी होती है पढ़ाने जाता हूँ ना साइंटिस्ट को कहीं जगह पे वो सीरियस बैठे होते हैं मैंने लतीफा सुनाया कहते हैं <laughs> 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 नहीं समझ बिकॉज वो हर बिजनेस मैंने देखे हैं जनाब वो मुंह गांव को अच्छी कहना नहीं हंसते क्यों नहीं मैं वह आंदे ही नहीं सामू यानी कुछ लोग बीमार होते हैं खुशकस्मत तरीन इंसान वो है जिसकी ज़िंदगी में क्या है मुस्कुराहट है हमने ना यार मु... हमने खुशी को भी ना जज करना शुरू कर दिया कि यह गैर इस्लामी हरकत है दुनिया में वाद दो तीन मखलूकें हैं जो बेचारी कै का लगा सकती हैं यार अगर इतना बुरा होता तो नेचर हमें ना देती <laughs> नहीं समझ <समझागी>। आई <laughs> उसमें कौन कौन है वैसे मखलूक दो तीन में कैन एनी वन कैन गेस वन इज़ दी ह्यूमन इंसान सेकेंड इज चम्पनजी एंड थर्ड इज डॉल्फन इसके अलावा दुनिया की किसी मखलूक में का नहीं है खुशी नहीं है ब्लिस नहीं है ये कुदरत ने सिर्फ जाये जो है ना ये तीन मखलूक में रखा आगे चलते हैं जना लेकिन alpha स्टेट नहीं दीजिए इन दो को सिर्फ इंसान के पास है अगर दो के पास होती ना तो इधर ही फिर रहे होते हमारे गर्द गिर्द सी ओ होता बंदर कहना मेरा सी ओ है यारक डॉल्फिन तेर करो एच आर मैनेजर फिर यह मसला पै रहना सी वाला ने देखो सानू एनिक बनाया कि हमारी इस सारे दौरान में हमारा ये डिवेल्प हो गया जो आगे वाला दिमाग था और ऐसा कमाल डिवेल्प हुआ कि हम लीड करने लग पड़े ह्यूमन हिस्ट्री पढ़े ना आप पूरी जो एक एवोल्यूशन की हिस्ट्री है जिसको आप मॉडर्नाइज कर दिया जिसमें हम कहते नहीं इस्लामी गैर इस्लामी नहीं वो प्रॉपर भाई वो जो आप काबिल तस्करा नहीं थे वो दौर गुजार चुके हैं आप आप तस्करा आपका होने लग पड़ा है तो वो दौर आ चुके हैं तो वो आप एक अलग सब्जेक्ट है जनाब इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक है जो मैंने पॉइंट्स बताएं तो पूछ लो सर क्लेम ना ना करें मुझे आता है जिस चीज़ का आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है ना उसको कभी ना क्लेम करें हमारे यहाँ एक बीमारी है पूरी सोसाइटी में लोगों को सतही पता है यार इसीलिए अल्लाह के रसूम की हदीस है कि नौ हिस्से आफियत के खामोशी में देखिए जिसका प्रोफेशन लेक्चर देना है वो लेक्चर के अलावा भी तो खामोश रहे ना फिर आपका अपने साथ टाइम कितना गुजरता ये भरें अपना मैं मेरा एक मशवरा है कि अपने अंदर के बर्तन को भरें फिर सिखाएं किसी को आप में से कोई भी इस नीयत से बैठा सीख रहा ना मैंने सिखाना शुरू करना है वो सीख नहीं सकेगा पहले इसके आमिल बने सब चीज़ों के पहले इसके प्रैक्टिशनर बने पहले आपने इस पर खुद काम किया हो फिर उसके लेवल आ जाता है बंदा कहता है यार कि मैंने सिखाना है हमारी पूरी कौम को बीमारी पड़ गई यार नसीहत करने की पूरी कौम ही हर वक्त क्या एक ही काम कर रही है कि मैं बताता हूँ पता है नहीं कॉन्फिडेंस देखो बहुत है गलत बता रहे हैं गलत तबसरे कर रहे हैं जो चीज़ वायरल हो रही है क्यों हो रही है क्योंकि लोग झूठ सुनना चाहते हैं इस्तखारा एक ऐसी चीज़ है जो तो आपका कॉमन एक्सपीरियंस है एल्फा स्टेट में अगेन मैं कह रहा हूँ हर चीज़ प्रैक्टिस है इसके पीछे अगर आपने आठ दस साल लगाए हैं अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें लोग आपको मिलते हैं फिर तो ये इलम आपको आप फैस देना शुरू कर देंगे दूर नहीं है फिर चुप करके पक्का पक्का होते रहे बस अंदर ये कहते हैं फलाना बंदा यार अच्छा खासा पहले आड़त करता था बाद बाबा बन गया वो दरअसल उसकी पक रही थी आंटी यहाँ जी इरफान पहले बैंक में होते थे या सरफराज शाह पहले सिविल सर्वेंट थे बाद में ये हो गया या वासिफ़ साहब अंग्रेजी पढ़ाते थे बाद में हो गया वो दरअसल वो त्यार हो रहे थे तो अल्लाह के लिए त्यार करना जो है ना वो लाजमी नहीं चिल्ला है माकूस में हो बाईस साल अंग्रेजी पढ़ा के वासिफ साहब बना देगा उसके लिए क्या मुश्किल है फिर अगेन कहूँगा क्योंकि सब में रहते हुए मुख्तलिफ होना है ये मुश्किल काम है यानी इसमें उसताद चाहिए फिर भी आपको एक ये, ये है हसा, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रेशन का काम आप खुद ही सीख लें तो फिर झटके खाएंगे उससे बेहतर है किसी उस्ताद को पकड़ें वो दस्ताने पर शुरू में फनाएगा बाद में फिर बंदा ट्रेंड हो जाता है उसको पता लग जाता है दस्ताने के बगैर भी काम कैसे करना है असूली तौर पर दस्ताने और इसमें दस्ने जो हैं वो इसका सबसे बड़ा दस्ताना तजकिया करेक्टर अपनी जज जो है वो तो लोग बताने लग पड़ते हैं आपको ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं पर मकनातीज है तो इर्द गिर्द खुद ही वो लोहा चून जो है ना वो कम अज़ कम जो साइन है वो लोगों के दिलों में ना चाहते एक अदब होगा इट्स सॉर्ट ऑफ लव यानी वो ना चाहते उनके अंदर एक एक उसके अंदर कशिश होगी और दूसरा जो साइन है ना अपनी नहीं दूसरे की कि आपकी बड़ी फिक्रें उसके पास बैठ के ख़त्म हो जाएंगी मसला हल हो रहा हो आपकी जो इस्टीम और सेल्फ है ना वो बड़ी हो जाएगी आपको लगेगा यार मसला कोई नहीं है इतना बड़ा ये कम अज़ कम साइन है क्योंकि अल्लाह का करम और फज़ल इतना होता है इस रस्ते में कि प्रॉब्लम्स के साइज़ छोटे हो जाते हैं आप प्रॉब्लम के सामने कहते हैं मेरा अल्लाह बहुत बड़ा यार तो ये इतकाद तीसरी जो तीसरा साइन है वो आपका तवक्ल खुद बढ़ जाएगा आप यानी वो मोहताज नहीं रखेगा एक बात याद रखिएगा जो पीर अल्लाह और आपके बीच में हायल हो जाए पक्का पक्का वो पीर नहीं है क्योंकि इसमें तो लाइला मोहम्मद रसोल्ला सरकार दो रोल मॉडल हैं उन्होंने डायरेक्ट कर दिया आपको कि यार कोई नहीं है माँ सभा अल्लाह के तो अगर वो निगेशन ही नहीं ला सका आप में ज़्यादातर जो पाकिस्तान में अवेलेबल वे आइटम हैं सारे के सारे वो सारे हायल हैं इसीलिए इबरत बन जाते हैं इसलिए बड़े बड़े नाम आखिर में जा इबरत बन गए हैं जो सच्चा है जो नेक है रियली वो इब्रत नहीं मैं तला उसका खुद ही वो वो चला जाएगा तो बाद में दुनिया को पता लगेगा यार कितना बड़ा इंसान था जो तो बाकी है वो सारी दुनियादारी बहुत ज़्यादा है इसमें